नमस्कार, सत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, केंद्र सरकार ने पिछले मार्च में एक ड्राफ्ट जारी किया था। ये ड्राफ्ट था पर्यावरण प्रभाव के आकलन से संबंधित, और इसका मकसद ये था कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लगे तो उसके जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ते हैं उनका आकलन सही ढंग से हो और उसके बारे में एक नियम कायदा बने, सिस्टम बने। ये नियम कायदा हमारे यहाँ पहले से था, 2006 में भी था, लेकिन मौजूदा सरकार उसमें कुछ रद्दों बदल करना चाहती थी, इसलिए उसने नया ड्राफ्ट, नया मसौदा जारी किया और 30 जून की डेट रख दी थी उसके लिए अंतिम समय सीमा। उसके पहले पहले सभी को अपने सुझाव देने थे। बाद में ये तारीख दिल्ली हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से 11 अगस्त यानी आज तक कर दी गई। लेकिन हम सब जानते हैं देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, ऐसे में कैसे बहस होगी, कैसे लोगों तक जानकारी पहुंचेगी, कैसे लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे, ये सब समस्याएं इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन सरकार अड़ी हुई है। हमारे साथ जानी मानी पर्यावरण कार्यकर्ता, पर्यावरण चिंतक मेधा पाटकर जी जुड़ी हुई हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये जो मसौदा जारी किया गया है इसको लेकर मोटे तौर पर क्या आपत्तियां हैं, आपको क्या लगता है कि अगर ये मसौदा लागू होता है, अगर इसको अंतिम रूप दे दिया जाता है इसी रूप में जिसमें अभी है, हालांकि पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि तो ड्राफ्ट है, अभी इसमें चेंजेस होंगे, लेकिन आपको एक पहली तो ये कि इसमें नीयत क्या है केंद्र सरकार की, जो परिवर्तन इसमें सुझाए गए हैं। धन्यवाद मुकेश कुमार जी। तो COVID-19 को लेकर पूरी जनता लॉकडाउन में रखते हुए केंद्र की सरकार एक एक कानून में बदलाव ला रही है, ये कितनी अजनतांत्रिक प्रक्रिया है। न चुने गए जनप्रतिनिधियों को, न ही संगठित कार्यकर्ता संगठन या संस्थाओं को कोई मौका है सही अर्थ में अपना विरोध या समर्थन भी घोषित करने का। सब कुछ ऑनलाइन। और ये मसौदा जो अभी उन्होंने लाया है वो 1994 के और 2006 में थोड़ा सा बदल के जो राजपत्र अधिसूचना आई उसमें बदलाव है। इतना ही नहीं तो 1986 में 1972 के पूरे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण पर आए हुए रिपोर्ट और नियमों के आधार पर जो कानून भारत में आया, पर्यावरण सुरक्षा कानून 1996, उसका जो पूरा एक उसके पीछे की नियत ही नहीं, उसका एक पूरा ढांचा और उसमें से पर्यावरण सुरक्षा की सुझाई हुई प्रक्रिया जो हर परियोजना के लिए अमल में लाना बेहद मैंडेटरी यानी बंधन कारक रहा, उसको ही उल्लंघित करने वाला ये मसौदा है। और इसीलिए मैं तो कहूंगी कि ये संविधान के भी खिलाफ है, क्योंकि अनुच्छेद 48 से 51 तक संविधान भी शुद्ध पर्यावरण का अधिकार देता है हर नागरिक को, और ये तो बिल्कुल पर्यावरण को नजरअंदाज करने की कोशिश और साजिश एक प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो मसौदा है उसमें उन्होंने जो प्रक्रिया 1994 से शुरू हुई और 97 में आगे बढ़ी उसको खत्म करना चाहा है। वो प्रक्रिया है पर्यावरण मूल्यांकन की। ये मूल्यांकन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज तो कोरोना के विषाणु को लेकर ही नहीं, हर प्रकार की जो आपत्तियां, बाढ़ और सूखे का चक्र हो या क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन हो, आम लोग और विशेषता प्रकृति पर जीने वाले समुदाय जो भुगत रहे हैं उनको अगर बचाना है और प्रकृति को, अगर हर एक इंसान को शुद्ध हवा और पानी मिलने के लिए भी बचाना है, तो जरूरी है कि हर कार्य कृति कार्यक्रम के योजना के असरों को पहले ही जांच लेना और उसके आधार पर तय करना कि वो आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। तो ये एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की केवल बात नहीं है, ये मूल्यांकन तो आजकल भी योजनाओं में ऐसी कंपनियों के साथ जुड़ी हुई संस्थाएं करती है कि वो मूल्यांकन मंजूरी का ठप्पा लगा देता है। और जो आज तक मंजूरी की प्रक्रिया हुई है उसमें एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ये मूल्यांकन आधार बना है, लेकिन अब ये मंजूरी की प्रक्रिया पर भी आघात कर रहे हैं। और इसलिए ये नोटिफिकेशन न केवल पर्यावरणीय असरों के मूल्यांकन को
कमजोर बना रहा है या उसको छांट रहा है। कई परियोजनाओं में वो करने की जरूरत नहीं है कहते हुए छूट दे रहा है, इसलिए पर्यावरण की लूट की भी छूट होने वाली है। और दूसरा कि उसके ही तहत ये चाहते हैं कि अब जो भी मूल्यांकन हो मंजूरी तक रुकने की भी जरूरत नहीं है। तो पहले क्या है कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरी नीति है जो जिसमें बदलाव जिस तरह के किए जा रहे हैं उसका सीधा सीधा मकसद ये है कि उद्योगपतियों को कारोबारियों को फायदा पहुंचाए ताकि उनको कोई बंधन जो चाहे जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे उनका भरपूर दोहन कर सके। बिल्कुल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यही इसकी स्पष्ट रूप से नियत है। और ये ईज एट हूज कॉस्ट, किसकी कीमत पर और किस कीमत पर ये छूट उद्योगपतियों को दी जा रही है, वो चाहे खदान में पूंजी निवेश करने वाले हो, कोयले की खदान हो या अन्य खदान हो, रेत खदान वाले हो या बड़े बड़े बांधों का निर्माण करने वाले हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर खेती खत्म करते हुए जो आगे बढ़ रहे हैं वो हो, इन सब को अब छूट मिल जाएगी। इमारत और बांधकाम बिल्डिंगों का करने बड़े बड़े बिल्डर्स को छूट मिल जाएगी और इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, लेकिन उनको मुनाफाखोरी आगे बढ़ाने की पूरी छूट देना यही इस नोटिफिकेशन के पीछे है। अन्यथा इसको अभी लाने का और कभी भी लाने का कोई कारण नहीं था, उल्टा जरूरी था कि एनवायरमेंटल रेगुलेशन पर्यावरणीय नियमावली और उसके तहत हर कार्य पर निगरानी अधिक सशक्त की जाए। जब कोपेनहेगन या पेरिस में जाकर हमारे प्रधानमंत्री और मंत्री हस्ताक्षर करते हैं और कहते हैं पर्यावरण सुरक्षा अब हमारा भी एक अहम मकसद है, तो उसके बराबर विरोधी नियत है इस राजपत्र के पीछे। जी, ये एक तो आपने बताया कि कोरोना के समय इस पर ना कोई बहस हो पाई ना कोई बातचीत हो पाई, और जो आम जनता में इसके खासतौर से जो स्टेक होल्डर हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं उनकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं मिली, तो ये पूरी प्रोसेस ही कहना चाहिए कि गड़बड़ है। ये अभी तो इसको अगर ये जबरन लाने की कोशिश की जा रही है तो ये जन विरोधी कार्रवाई होगी और ये इसको कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ये इस तरह का दबाव समाज की तरफ से बनना चाहिए लेकिन बनता नहीं दिख रहा है, इसकी क्या वजह मान? मेरे ख्याल से फिर भी काफी दबाव बन गया है इस मुद्दे पर कि ये जनतांत्रिक पद्धति से पर्यावरण विरोधी इस प्रकार के नोटिफिकेशन लाने जा रहे हैं जो कानून के भी विरोधी है। और लेकिन जब युवाओं ने इसको अपने कंधे पर लिया और बहुत से युवा ग्रामीण और शहरी जो कम से कम ऑनलाइन पे हैं उनकी संख्या और प्रतिशत आज भी कमी है, लेकिन उन्होंने जब इसका विरोध दर्ज किया तो फ्राइडेज फॉर फ्यूचर जैसे युवाओं के संगठन पर ही इन्होंने अपना शिकंजा कसने की कोशिश की। दबाव प्रभाव के कारण अब वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इन्होंने जनता को जनसुनवाई से ही हटाने की जो साजिश इस नोटिफिकेशन के द्वारा की है वो और महत्व की है, क्योंकि मसौदे पर कमेंट्स देने के बावजूद ये मसौदे में किस आधार पर बदलाव करेंगे कि नहीं इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। इस सरकार में ही नहीं पिछले सरकार में भी नहीं था, लेकिन पिछली सरकारें संवेदनशील थी संवादशील थी, कुछ जनतंत्र के पक्ष में होते हुए जनता की सुनवाई होती थी। हम सबके साथ जयराम रमेश जी जैसे पर्यावरण मंत्री, हम अगर उस पर्यावरण भवन के दरवाजे में गेट में बैठे तो छठी मंजिल से नीचे उतरकर चर्चा करते थे, अपने केबिन में चर्चा करते थे, तो ये बात आज के सरकार में नहीं दिख रही है। इसीलिए मसौदे पर जो भी प्रतिक्रियाएं लाखों की तादाद में भेज रहे उस पर ये विचार करेंगे कि नहीं, ये अब देखना जरूरी है, और अगर नहीं करेंगे तो और आगे तेजी से बढ़ना और इस पूरे पर्यावरण कानून की कमजोरी पर हमला करना, एक प्रकार से आपत्ति उठाना जरूरी है सत्याग्रही बनकर। जी मेधा जी, इसमें दो चीजें और इस मसौदे में उठाई जा रही आपत्तियां, एक तो ये है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट लगता है या जिस एरिया में लगना है वहां के लोगों की राय ली जाएगी, ग्राम सभाओं की राय ली जाएगी,
लेकिन उसको भी इसमें बहुत ढीला ढाला किया जा रहा है, इसमें ढील दी जा रही है। दूसरा ये कि अगर आपने कोई उद्योग लगाया है और उससे प्रदूषण फैल रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो आप पेनल्टी देकर आप फुर्सत हो सकते हैं, आपका उद्योग धंधा बंद नहीं किया जाएगा, जो कि पिछले कानून में वो सख्त नियम था। तो ये सारी छूटें देकर आप पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं और उद्योगपतियों को बेहिसाब छूट देना चाहते हैं कि आप जो चाहे कर लो, एक पेनल्टी देकर आप छूट सकते हैं। बिल्कुल, हमने देखा है कि पर्यावरणीय मूल्यांकन का रिपोर्ट अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में लोगों के हाथ में उपलब्ध होता था, और वो जिला उद्योग एजेंसी हो या पंचायत राज्य के तहत की कोई संस्था हो, उसमें रखा जाता था, और इस प्रकार से जन सुनवाई का एक मौका मिलता था, बहुत सारी योजनाओं में मिलता था जिसके गंभीर असर होने की संभावना है उन योजनाओं पर, और उसका एक असर ये होता था कि लोगों में जागरूकता होती थी। नहीं तो पर्यावरण शब्द भी जो उच्चार नहीं सकते हैं, ऐसे आदिवासी या उत्तराखंड के पहाड़ी के लोग, नर्मदा घाटी के किसान, मजदूर, मछुआरे, ये कैसे अपनी राय भी रखते, जबकि जनतंत्र है देश में और 73वें और 74वें संशोधन के आधार पर संविधान में एक महत्वपूर्ण बदलाव जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब लाया गया था, और उसके आधार पर हर गांव को, ग्राम सभा की एक छोटी से छोटी इकाई को अपने विकास के नियोजन का आधार मिल गया और सहूलियत मिल गई। लेकिन जब योजनाएं केंद्रीयकरणवादी व्यवस्था से नियोजित होती है तब वही सब कुछ हो जाता है, और एक प्रकार से फेट अकम्पली बनने के बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर वो बोलते हैं कि हमारे करोड़ों रुपए खर्च हुए, अब तक आप कहाँ थे, लेकिन लोग तो अपनी जगह होते हैं, लेकिन ये तय करने वाले नियोजक, आयोजक और प्लानर्स या पूंजी निवेशक, ये लोगों के साथ जुड़े नहीं रहते। अब जब 1994 के नोटिफिकेशन में ये जन सुनवाई की बात 97 से ढाली गई, तब एक बहुत फर्क आया और कुछ फर्क कम भी आया। हमारे अलग अलग अनुभव है इस मुद्दे पर। सरदार सरोवर परियोजना के लिए इस प्रकार की जन सुनवाई थी नहीं, तो 1987 में कानून 86 में आने के बाद भी जो मंजूरी दी गई वो उस कानून के नियम बनने के पहले जल्दीबाजी में दी गई और वो शर्तों के साथ दी गई, तो वो जन सुनवाई के बिना दी गई। फिर भी उस मंजूरी में जो शर्तें थी, उन शर्तों को लेकर हमने आज तक संघर्ष किया 35 साल का, और उसके ही तहत कुछ पर्यावरण की और कुछ बहुत सारी पुनर्वास की हकीकत आगे बढ़ी, और हजारों हजारों लोग बच गए विध्वंस से। लेकिन उत्तराखंड में जब जन सुनवाई के आधार पर एक एक परियोजना में वो लोहारी नाकाला हो या अन्य हो, श्रीनगर के जैसी योजना हो, मनेरी भाला की हो, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, मूल गंगा के पूरे घाटी में जिस प्रकार का असर आया है, और जो केदारनाथ के हादसा होने के बाद मालूम पड़ा, भरत झुनझुनवाला जैसे अर्थशास्त्री भी उसके बाद फिर खड़े हो गए उत्तराखंड को बचाने के लिए, जो नर्मदा आंदोलन के खिलाफ पहले लिखते थे, लेकिन वो भी एकदम जागरूक होकर बोलने लगे, और आज तक जीडी अग्रवाल जी जैसे कई लोगों ने अपनी अपनी शहादत दी है, आज भी शिवानंद गुरु। इस तरह की लड़ाइयां बस्तर में भी लड़ी गई, नियमगिरी हिल्स जो उड़ीसा में, बिल्कुल लड़ी गई, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, हर जगह, कहीं जिंदाल आए, कहीं मित्तल आए, और अंबानी और अडानी के खिलाफ निश्चित ही सब जगह आवाज उठी, क्योंकि हजारों एकड़ जमीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे प्रोजेक्ट्स लाकर दी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं रायगढ़ जैसे महाराष्ट्र के जिले में भी जन सुनवाई का असर हुआ। अब जन सुनवाई का असर जिन योजनाओं में होना था और हो रहा था, जितना भी, उसको निकालने के लिए ये कैटेगरीज बदल रहे हैं, परियोजना को B2 में डालकर फिर जन सुनवाई की आवश्यकता नहीं है, और ये किस प्रकार से कर रहे हैं। अगर एक बने हुए बड़े बांध जिसका विनाश विस्थापन पहले हो भी चुका हो, उसको अगर सुधारित करना है या उसमें कुछ और जोड़ देना है, ऊंचाई बढ़ानी है,
तो उसके लिए कुछ नए सिरे से जनसुनवाई की जरूरत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अगर रास्ता और चौड़ा करना है, जिसमें अभी मेरे सामने दिख रहे केले के बगीचे भी चले जाएंगे या ज्वार और मकाई की खेती चली जाएगी, तो उसमें भी कोई जरूरत नहीं है देखने की और सुनने की। तो जन सुनवाई का मामला निकालना पूरा अजनतांत्रिक है और इससे पूरा दायरा पर्यावरणीय कानून का कमजोर हो रहा है ये निश्चित, जबकि पहले जो हो रही थी उससे और सशक्त करना जरूरी था। जबकि ये ईमेल पर एक हाथ दूसरी परियोजना के पक्ष में राय लेकर जो उनको मिलती थी उसके आधार पर हजारों की राय को नकारते पहले भी थे, लेकिन उतना भी अवकाश था। और फिर पर्यावरण मंत्रालय के कुछ संवेदनशील अधिकारी और मंत्री जब होते थे तब उसकी दखल लेते थे, आज वो दखल अंदाज करने की बात सामने आ रही है। जी, आपको लगता है कि उद्योगपतियों के दबाव में आके सरकार ये सारे परिवर्तन कर रही है? बहुत सारी परिवर्तन कर रही, पूरी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन हो रहे हैं, जो उद्योग धंधे 70 साल में बने वो बेचे जा रहे हैं, तो जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी भी बिक्री हुई। बिल्कुल निश्चित ही उद्योगपतियों के पक्ष में ये सरकार है, न किसानों के, न मजदूरों के, न आदिवासियों के, न दलितों के, न महिलाओं के। इस बात का तो अब जिक्र भी करना जरूरी नहीं है। जनता जो केवल एक भ्रमित न होते हुए सोच रही है वो जान रही है, क्योंकि 44 श्रमिकों के कानून राष्ट्रीय स्तर के वो खत्म करके 4 संहिता लाना ये भी उद्योगपतियों के पक्ष में है। 100 से अधिक कानून जो राज्य स्तरीय है श्रमिकों के पक्ष में, उसमें बदलाव लाना ये भी उद्योगपतियों को अपनी मनमानी आगे बढ़ाने के लिए दी हुई छूट है। सार्वजनिक उद्योग 1 नहीं 5 नहीं 50 बेचे जाना, चाहे BSNL हो या चाहे कोल ब्लॉक्स जैसी खनिज संपत्ति को, रेलवे को भी निजी हाथों में सौंपना यानी सार्वजनिक तिजोरी खाली करना है, पर पर्यावरण की जो पूंजी है उसको खत्म करना यानी जीवन पर ही हमला करना है। आज ये निश्चित है कि न केवल ग्लेशियर्स पिघल कर नीचे आ रहे हैं, लेकिन हर जगह पिछले कुछ सालों में 5 बड़े आघात आपदा के रूप में भुगते हैं लोगों ने, कहीं ओखी, कहीं सुनामी, कहीं वायु, एक एक प्रकार का। अभी कोंकण ने, महाराष्ट्र ने निसर्ग नाम का तूफान को भुगता है, पूरी खेती नहीं जंगल जो प्राकृतिक के वो भी बर्बाद हो चुके हैं। तो लोगों को आजीविका पर हमला भुगतना पड़ रहा है और लोग सुरक्षा प्रदान करते हैं और उन पर हमला होने से केवल बेरोजगारी नहीं, हमारी जीवन की असुरक्षा हम सब भुगतने वाले हैं। ये भी अगर नहीं समझते हैं, समझते हैं, लेकिन उनका पूरा पक्ष है कंपनियों की मुनाफाखोरी बढ़ाना और उस मुनाफे से आज की चुनावी राजनीति चलती है। नहीं तो 75,000 CCTV बिठाकर बिहार के चुनाव थोड़े खेले जाएंगे। ये चुनावी राजनीति जब मूल्यहीन हो गई है और केवल पूंजी के और पूंजीपतियों के आधार पर जनता को भ्रमित करती है, हर मीडिया में उनका हस्तक्षेप है, तो फिर चुनाव अपवाद छोड़कर तो फिर निश्चित ही हम लोग ये समझे कि ये सब कुछ उद्योगपतियों के लिए हो रहा है। 68,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करना अपराधी उद्योगपतियों के लिए, और किसानों का कर्जा माफ न करते हुए हर रोज 10 किसानों की आत्महत्याओं को होने देना, चलने देना, ये कितना अमानवीय रुख है आज के केंद्र शासन का, ये हम समझ रहे हैं। बिल्कुल, मेरा अंतिम प्रश्न है मेधा जी कि ये सरकार जिस निरंकुश ढंग से फैसले लेती है, चाहे वो नोटबंदी का फैसला हो, चाहे धारा 370 का हो, चाहे नागरिकता संशोधन कानून का हो, हम एक के बाद एक इस तरह के फैसले देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस मामले में वो लचीला रुख अपनाएगी, जो आपत्तियां आप लोग दर्ज करा रहे हैं उन पर कोई विचार करेगी, या अंततः वो जो तय कर चुकी है वही इम्प्लीमेंट करेगी, और चूंकि उस तरह के विरोध को वो सहन नहीं कर रही, जो विरोध करेंगे उन्हें भीमा कोरेगांव की तरह जेल में ठूस दिया जाएगा, तो ये स्थितियां बन रही, इसमें उम्मीद कहाँ है? देखिए, उम्मीद तो रखे बिना तो हम जी ही नहीं सकते। हमने श्रमिकों को जो भुगते हुए देखा उसके बाद हैरान रहे हैं।
लेकिन उम्मीद इस बात की है कि आखिर उनको भी ये मालूम है कि कुछ ही सालों में, 4 साल के बाद वो आएंगे हम मतदाताओं के, नागरिकों के द्वार पर। और ये जब हम समझा पाएंगे, ये संदेश जब देश के कोने कोने से उठेगा, न केवल अपना ऑनलाइन क्या बोलते हैं सलाह देकर, सूचन देकर, लेकिन आज लोग रास्ते पर भी उतर आने लगे हैं। कल परसों 9 अगस्त के रोज अगस्त क्रांति को याद किया हमारे आदिवासियों ने, आदिवासियों के क्रांति वीरों को याद किया, और किसान मुक्ति दिन मनाया देश के 250 किसान संगठनों ने। तो अब लोग समझ रहे हैं कि लॉकडाउन में आवाज को तो लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं, आवाज उठाना जरूरी है, और जहां भी जितना भी संभव हो आगे रास्ते पर उतारना जरूरी है। हम आरोग्य की, स्वास्थ्य की निश्चित परवाह करते हैं, लेकिन जब इस प्रकार का आवाज अपने अपने जगह से, अपने अपने माध्यम से लोग उठाते हैं, तब सरकार को सोचना पड़ता है और पड़ेगा। इसका उदाहरण है 3 अध्यादेश जो पहले भू अधिग्रहण कानून को भी कमजोर करने के लिए लाए गए थे, लेकिन संसद मार्ग पर जब भूमि अधिकार आंदोलन के सैकड़ों संगठनों ने अपना धावा बोला, और एक बार नहीं कई बार कई जगह आंदोलन हुआ, तो निश्चित ही मोदी सरकार को, जो यही सरकार है, उसको पीछे हाथ लेनी पड़ी। और अनुभव दूसरे प्रकार के भी है कि वो पीछे हाथ नहीं लेते हैं, हम ही को जेलबंदी के आधार पर आवास को भी बंद करने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई अखिल गोगोई के साथ होता है आसाम में, जो भी केवल पर्यावरण बचाने के लिए और विविधता को बचाने के लिए, जैव विविधता को बचाने के लिए संघर्ष और निर्माण करते आए, सूचना का अधिकार मांगते आए। लेकिन आनंद तेलतुंबड़े जैसे अंबेडकरवादी से अगर ये व्यवहार होता है तो फिर बाकी लोगों का क्या कहें। लेकिन अभी भी हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि मोदी शासन और प्रकाश जावड़ेकर जी ये समझे कि उनकी परीक्षा होने वाली है, परीक्षा हमारी नहीं है, परीक्षा है इस सरकार की। लाखों नहीं करोड़ों लोग इसके विरोध में हैं, कईयों ने ऑनलाइन मैसेज भेजा होगा, कईयों ने ईमेल भेजी होगी, नहीं भी भेजी होगी, पर इनको इस मुद्दे पर समझना चाहिए कि इस देश की जनता आज इस कोरोना और सभी संकटों के भुगते हुए निश्चित ही पर्यावरण को बचाने के पक्ष में है, और संविधान भी पर्यावरण को बचाने के पक्ष में है। तो क्या ये संविधान के खिलाफ आगे बढ़ते रहेंगे या जनता के साथ चलेंगे, इसका जवाब जनता भी आगे देने वाली है। जी मेधा जी, बहुत अच्छी बातें की आपने, लेकिन अभी तो संविधान भी बदलने की तैयारियां हो रही होंगी, अंदर खाने ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, खतरे बहुत हैं, लेकिन निश्चित रूप से लड़ाई भी चल रही है और लड़ाई जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जैसे माध्यम, आप जैसे माध्यम अपवाद होकर, आशुतोष भाई हो, आप हो, या रविश कुमार जी हो, या प्रसन्न जी वाजपेयी जी हो, मुझे लगता है कि ऐसे मीडिया एक आधार बनते हैं जी, और हर नागरिक में जो भी अस्त्र है वो हम उठाते हैं, सत्याग्रही और अहिंसक बनकर, यही भी कम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मेधी जी, धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला। आप रास्ते में हैं कहीं, महाराष्ट्र के बहुत ही अंदरूनी इलाके में हैं, कार में बैठकर आप बातचीत कर रही हैं, बाहर बारिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, आपसे बातचीत करना हमेशा ही अच्छा लगता है, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।